नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। अभिनेता अनुपम खेर अभिनीत द कश्मीर फाइल्स इन दिनों लगातार चर्चा में है। फिल्म के समर्थन में कश्मीरी लेखक जावेद बेग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। न सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय से माफी मांगी है, बल्कि उन्होंने यह भी माना है कि दौर भयानक था और वह इस बात का गवाह है कि अपराध किया गया है। जावेद बेग भी एक एक्टिविस्ट है। उन्होंने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि जो गलती उनके पूर्वजों ने की थी, आज के युवाओं को उस गलती को स्वीकार करनी चाहिए। जावेद बेग ने यह भी कहा कि कश्मीरी मुसलमानों ने आजादी के नाम पर हथियार उठाए, यह प्रचार नहीं बल्कि हकीकत है। उन्होंने कहा कि सच हमेशा सच होता है, चाहे कोई कहे या ना कहे। जावेद बेग ने अपने पोस्ट में चर्च टिक्कू का जिक्र करते हुए लिखा कि मैं भी एक कश्मीरी मुसलमान हूँ। हमारी बहन चर्च टिक्कू को उसके जीवन काल में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। यह कश्मीर के उन मुस्लिम परिवारों द्वारा किया गया था जिनके हाथों पाकिस्तान को आजादी मिली थी। नाम पर हथियार सौंपे गए। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। यह प्रचार नहीं बल्कि सच्चाई है। कोई सच बोलता है या नहीं, सच फिर भी सच रहता है। मैं नरसंहार का गवाह हूँ, कश्मीरी पंडितों का, जो नवरोज दिवस 21 मार्च 1997 को संग्रामपुरा बीरवाहा में हुआ, वह मेरा गृहनगर है। मैं आज भी दुखी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। इतना ही नहीं, इन पोस्ट के साथ जावेद बेग ने अपनी एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया, जिसमें वह एक न्यूज चैनल पर बोलते हुए नजर आई। वीडियो में जावेद कहते हैं कि वह जिस इलाके के बीरवाहा से आते हैं, वहां पहला नरसंहार 21 मार्च को हुआ था, जिसमें दर्जनों कश्मीरी पंडित मारे गए थे। उन्होंने बर्बर नरसंहार देखा है जो मारे गए। वे ना तो किसी भी आजादी को रोक रहे थे और ना ही किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे। आपने हत्या लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो अत्याचार नहीं है तो क्या है? जो कश्मीरी पंडित मारे गए वे हमारी अपनी बस्ती के लोग थे। इस वीडियो के अंत में लेखक यह कहते दिखाई दिए कि कश्मीरी पंडित अस्तित्वहीन नहीं थे, वे हमारे खून हैं, हम अपनी जाति हैं। उनके पिता की पीढ़ी ने जो गलतियां की वो गलतियां आज स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पाप किए गए हैं। इसे समझने के लिए आपको किसी फिल्म की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए विवेक की जरूरत है। 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स की कमाई का ग्राफ दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।